नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वीआई के बारे में। भाई वीआई के जितने अपडेट हैं भगवान उनसे बचाएं तो अच्छी बात है, बाकी इतने रोज बता दूं 3 से 4 अपडेट रोज आ रहे हैं। अब इतने वीडियो आप लोग देख लेते हैं कि आपको खुद को कंफ्यूज हो जाती है कि यार करना क्या, आखिर हम करना क्या चाहते हैं, हमारे हमसे क्या करवाना चाहती है वीआई की सरकार। यानी आप लोगों को इस तरह से झगड़ा जा रहा है कि बस पूछो मत, आप गला घोट के आपको दुबई पहुंचाने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से कंडीशन। यानी यार हर रोज़ नई अपडेट ही भाई, देश और भी हैं, 208 देशों से ऊपर देश हैं, बहुत सारे देशों की रोज़ फ्लाइट अपडेट हो रही है। ऐसा तो किसी देश में नहीं हुआ जितने वीआई सरकार। पता नहीं यार ये मजदूर वर्ग जो लेबर कैटेगरी के बेचारे वर्क परमिट वाले हैं, पता नहीं इनमें इनको ऐसा लग रहा है कि ये लोग बैग भर भर के कोरोना डेल्टा वेरिएंट के दुबई में छोड़ने वाले हैं, इस तरह की स्थिति है। जी हाँ, हालांकि वे इससे रिलेटेड बता दूं कुछ अपडेट आई हैं आप लोगों के लिए। कभी बोलते हैं उस स्टेट के उसी स्टेट में जाओगे, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, 4 घंटे बाद अपडेट आती है कि हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, आप दुबई के हैं तो आप अबूधाबी में उतर सकते हो, अबूधाबी वाले दुबई में उतर सकते हो। यानी ये कंडीशन पे कंडीशन लगाई जा रही है। दुबई बोल अबूधाबी में अभी आपको पता है क्या नियम है, पहले 10 दिन होम क्वारंटाइन था, उसको बढ़ा के 12 दिन कर दिया, अब 2 दिन में पता नहीं वो क्या निकालना चाहते हैं आपसे। भाई और भी हम बातें करेंगे दुबई से रिलेटेड, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीआई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाई वीआई ने, जी हाँ, अगर आप वीआई जाना चाहते हो दुबई, अगर दुबई की बात करें तो आपको जो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पहले तो कंडीशन देखिए क्या थी कि सिर्फ जिन्होंने दुबई में वैक्सीन ली है, यार हद करती है भाई, मैं तो वीडियो न्यूज देख के पागल होता जा रहा हूं कि यार ये क्या करना चाहती है वीआई सरकार। यानी एक दिन भी उनके नियम नहीं टिकते यार, हर दिन उनके नियम चेंज हो जाते हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट दुबई में जिन्होंने वैक्सीन लिए वो जा सकते हैं, 3-4 दिन चला उनके बाद में बोल दिया कि उनको पता लगा है जी फ्लाइटें खाली आ रही हैं, लोगों के लोग कितने हैं भाई जिन्होंने वीआई में वैक्सीन लिए, वो तो है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं। जिन्होंने भी लिए हैं उनके बेचारों के वहाँ जॉब खत्म हो गए, वैक्सीन लगवा के इंडिया आ गए, दोबारा उनको जाना नहीं है, फ्लाइटें जा रही हैं खाली, 150 की कैपेसिटी है, लोग जा रहे हैं 70-80, उनका तो किराया नहीं वसूल हो पा रहा है, तो उनको दिखाई नहीं देता। उनको देखते उन्होंने बोल दिया जी जिन्होंने अपने अपने देशों में वैक्सीन ली है, सर्टिफिकेट लिए हैं, वो भी आप दुबई आ सकते हैं। अभी और भी अपडेट आए हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि भाई जिन्होंने वी की सरकार ने जिनको मान्यता दी है ना, वही लोग जा सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जिसमें बता दूं मंजूरी ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो गई है, 15 अगस्त से स्वीकृति मिल गई है, 15 अगस्त से आप जाने की तैयारी कर लें। आपके पास टीके कौन से, सिनोफार्मा वैक्सीन अगर आप लगाई है तो उसका सर्टिफिकेट, फाइजर, बायोटेक, स्पुतनिक वी जो इंडिया में अवेलेबल है, ऑक्सोपोर्ट, एक्स्ट्राजेनका, अब एक्स्ट्राजेनका को ही इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई कोविशील्ड लगवा लो, झंझट खत्म है, सरकारी डोज है, फ्री में मिल जाएगी, बहुत सारी जगह पैसा देके भी मिल रहा है। भाई मेरे स्टेट मेरे जिले में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे 800 रुपये में एक डोज मिल रही है, यानी दोनों डोज 16 दिन में 28 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो ये आप लगा सकते हैं। इसका भी पूरा प्रोसेस बता दूं, अल हसन ऐप है वो भाई डाउनलोड कर लें आप अपने प्ले स्टोर से, उस पर जाओगे सब कुछ दिखाई देगा जी, आपको उसको अपग्रेड कर दिया गया है। ICAUE में जो ऐप है उसका उपयोग करो, फिर वेबसाइट भी डाली है स्मार्ट सर्विस, जी हाँ, .ica.gov.ae, इस पर भी आप अपना स्टेटस पंजीकृत करें, जी हाँ, आपका जो भी प्रोसेस उसमें मांगा जाता है वो पूरा डालें उसमें, तब जाके उसमें आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपको GDRF अप्रूव फिर भी लेना पड़ेगा भाई, GDRF का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये नहीं कि ये छूट मिल गई तो आप जा सकते हैं, मेन अप्रूवल ही रहेगा वही है, उसमें मिलेगा तो सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, इंडिया में अच्छी बात है भाई, कोविशील्ड आपने लगवा ली जी, दोनों डोज लग गई हैं। जो मोबाइल नंबर आपने कोविशील्ड का रजिस्ट्रेशन करवाया जी, उसमें आपने अपने मोबाइल में, मैंने एक वीडियो और भी बना रखा है, हेल्प डेस्क जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इंडियन सरकार ने अच्छा किया है, व्हाट्सअप नंबर जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हाई लिख के सेंड करोगे, वहाँ से आपके पास रिप्लाई आएगा, एक OTP आएगा, वो OTP आपको वापस डालते आपके मोबाइल पर आपका कोरोना का सर्टिफिकेट मिल गया, उसको आप प्रिंट निकलवा लो, बात खत्म हो गई जी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको सर्टिफिकेट के लिए भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं, वो झंझट खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इसको वेरीफाई करने के लिए आपका ID का जो आपको स्मार्ट सर्विस ICA कोविड है ना, वो जो वेबसाइट है उस पर आप ID का लास्ट का 4 अंक भी डाल दोगे और या पासपोर्ट का नंबर भी डाल दोगे तो भी आपके सामने पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। जी हाँ, सेकंड अच्छी बात है भाई, हालांकि कल भी मैंने थोड़ी अपडेट दी थी कि जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं,
जी हाँ, उनकी ये बहुत अच्छी बात है भाई, वीआई अपडेट भाई बड़ा खतरनाक देती है, पता ही नहीं लगता, आप सो रहे होते हैं आपका अपडेट आपको मिल गया होता है, आप आंखें खोलोगे तो आपका अपडेट मिल जाता है, ऐसी कंडीशन है। 9 दिसंबर तक लोगों के वीज़ा ऑटोमेटिक बढ़ गए, अचानक से जो लोग बेचारे GDRFA में इधर उधर चेक कर रहे थे, अरे वाह भाई मेरा तो वीज़ा बढ़ गया ऑटोमेटिक, जो वीज़ा एक्सपायर हो गया वो 9 दिसंबर तक ऑटोमेटिक बढ़ गया, 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो इन चीज़ों के बहुत अच्छी बात है, ये वीज़ा बढ़ चुके हैं, 1 महीना ग्रेस पीरियड सहित दिसंबर तक ये वीज़ा 9 दिसंबर तक आप लोगों के वीज़ा बढ़ जाएंगे। जी हाँ, लेकिन आप इसकी आप स्थिति जानना चाहते हैं तो GDRFA जो वेबसाइट है बता दूं मैं, GDRFA.gov.ae visa.inquiry पर आप सर्च करोगे तो आपको आपकी डिटेल पूरी भाई आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ, हालांकि इस पे GDRFA अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ये भी आपको मान के चलिए अप्रूवल तो आपको फिर भी लेना पड़ेगा। हालांकि इस न्यूज़ को एजेंटों ने भी काफ़ी वेरीफाई किया, एजेंटों ने बोला भाई हमारे क्लाइंटों के हमने वीज़ा चेक किए तो काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा ऑटोमेटिक बढ़े हुए मिले। जी हाँ, इस पर भी भाई आपको बता दूं RT-PCR रैपिड टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा, वो सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। लेकिन ये एक बात और बता दूं, ये केवल दुबई के लोगों के लिए भाई, जिनके दुबई में वीज़ा लगे हैं ना उन्हीं के वीज़ा एक्सटेंड हुए हैं 9 दिसंबर तक। बाकी जैसे शारजा, अबू धाबी, रासल केमा और जितने भी 6 स्टेट हैं उनका किसी का वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप सभी लोग खुश हो जाओ भी वीआई का मतलब पूरा, वीआई की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ दुबई की बात कर रहे हैं, ये दुबई के वीज़ा रिन्यू हुए हैं। और जिनके पास में मैं बता दूं जैसे जून और जुलाई में वीज़ा ख़त्म हो गए थे उनके वीज़ा तो रिन्यू हो चुके हैं ऑलरेडी, कल परसों 1-2 दिन के अंदर लोग देख रहे हैं। बाकी जैसे मई या मई से पहले जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं उनके वीज़ा अभी रिन्यू नहीं हुए हैं, लेकिन उनके हो जाएंगे भाई, सरकार ने 6 महीने तक के वीज़ा को रिन्यू का एक्सटेंड का बोला है, तो 6 महीने में तो यार सभी आएंगे ना। हाँ ठीक है, जिनके पिछले 1-2 महीने में ख़त्म हो गए उनके जल्दी रिन्यू हो गए क्योंकि वो एकदम नज़दीक में थे, और जो पीछे बैक में चले गए उनका थोड़ा सा टाइम, यानी 180 दिन का मैटर है, 180 दिन तक अगर आप दुबई के बाहर हैं तो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। जी हाँ, आप ICA या GDRFA की मंजूरी ली और आप एक्सपायर वाले वीज़ा भी, जैसे आपका वीज़ा आप स्टेटस में देखोगे बढ़ गया तो आप फिर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। जी हाँ, एक ईश्वरदास का बंदा था, उन्होंने कमेंट किया कि मैं मेरा वीज़ा GDRFA पे चेक कर रहा था, क्योंकि दुबई का था, मैं चेक कर रहा था क्योंकि मेरा वीज़ा पिछले महीने ख़त्म हो गया था, जैसे मैंने वीज़ा देखा 2 दिन पहले देखा तो एक्सपायर हो रहा था, फिर दोबारा उन्होंने वीज़ा देखा तो बता दूं 19 जुलाई को जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था अचानक से उन्होंने देखा कि आपका वीज़ा 9 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी वीज़ा उनका रिन्यू हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बता दूं भाई दुबई के ये लोग हैं सिर्फ दुबई के लिए वैलिड हैं, दुबई में जो लोग जाना चाहते हैं उनके वीज़ा 9 दिसंबर तक बढ़ा दिए गए हैं। अब 9 दिसंबर तक आप कभी भी जा सकते हैं, या पहले जाना चाहो तो भाई पहले जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई और अभी क्या अपडेट आ सकती है। भाई अपडेट का देखिए वी सरकार का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इतने दिन तो ऐसा लग रहा था, अभी जो भी अपडेट आ रही है सडनली अचानक से टोटली रिपोर्ट अचानक ही आ रही है, यानी 1 घंटे बाद कुछ आ जाए कोई पता नहीं कह सकते। अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाई देखिए पहले वैलिड वीज़ा वालों का नंबर आ गया, फिर जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका वीज़ा बढ़ा दिया, तो अब तो ऊपर वाला या दुबई सरकार रहम कर ले, विजिट वीज़ा वालों की सुन ले, क्योंकि वर्क परमिट वीज़ा तो बंद है पिछले 1.5 साल से, तो मुझे लगता नहीं है कि वर्क परमिट वीज़ा तो 2020 या 21 में खुलेंगे, और बाकी भाई ओपन हो भी सकते हैं, वी सरकार का कोई भरोसा नहीं है कभी भी ओपन कर दे, कल ही हो सकता है 1 घंटे बाद अपडेट आ जाए कि भाई वी सरकार ने वर्क परमिट वीज़ा ओपन कर दिया इन देशों के लिए, तो हो सकता है जा सकते हैं। बाकी विजिट वीज़ा 100% ओपन करने की पूरी संभावना इसलिए है क्योंकि एक्सपो 2020 अक्टूबर में आ रहा है, इसलिए सरकार विजिट वीज़ा स्टार्ट करेगी, और विजिट वीज़ा स्टार्ट ही है भाई, वीज़ा तो मिल रहे हैं, फ्लाइटें अप्रूवल नहीं मिल रहा है उनको आने के लिए, और बाकी भाई विजिट वीज़ा वालों को भी यह इतना प्रोसेस करना पड़ेगा तो बहुत काम गड़बड़ है। बाकी यार उनको GDRFA की लिए अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वीज़ा चालू है फ्लाइटें स्टार्ट करनी है भाई, फ्लाइटें लो और RT-PCR टेस्ट लो, और 2 नेगेटिव आपके पास सर्टिफिकेट कोविशील्ड का होना चाहिए, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोसेस रहेगा अगर देखा जाए तो विजिट वीज़ा का, क्योंकि इसमें तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, बंदा घूमने जा रहा है दुबई में, तो सरकार क्या कर सकती है, रैपिड टेस्ट मांग सकती है, कोरोना का रिपोर्ट मांग सकती है, दोनों डोज हैं उनका सर्टिफिकेट मांग सकती है, इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकती ना दुबई में, और क्वारंटाइन कार वो तो दुबई में कोई चक्कर नहीं, अबू धाबी उधर तो है बस। तो यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।